हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पद्मजा किचन एंड मैं हूँ पद्मजा। आज हम बनाने जा रहे हैं वन पट पास्ता। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत लेजी फील करते हैं, हमको कुछ बनाने को मन नहीं करता कि कौन अभी रोटी बनाओ, चावल बनाओ, दो तीन सब्जी बनाओ। तो इन लेजी दिनों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है वन पट पास्ता, जो बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी है, सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है। तो चलो देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हम क्या क्या लिए हैं। यहाँ पे मैं 200 ग्राम स्पैगेटी ली हूँ, आप कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पैगेटी को यहाँ पे तोड़ दी हूँ क्योंकि बहुत लंबे थे, तो मैं थोड़ा तोड़ के यूज़ करती हूँ हमेशा इसको। और यहाँ पे मैं एक वाइट ऑनियन ली हूँ, इसको मैं स्लाइस करके ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में काट दी हूँ, आप चाहे तो रेड ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ चेरी टमेटोज है, पास्ता है तो चेरी टमेटोज अच्छा जाता है उसमें। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल टमेटो को एकदम फाइन चॉप करके यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं 4-5 लहसुन की कलियाँ, उसको मैं चॉप करके ले ली हूँ। मैं फ्रेश बेजिल लीव्स यूज़ कर रही हूँ, आपको अगर नहीं मिले तो जो पाउडर मिलता है रेडीमेड मार्केट में, ड्राइड बेजिल लीव्स, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट चाहिए हमको स्वाद के हिसाब से। यहाँ पर मैं कुछ मशरूम्स यूज़ करूँगी, आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, आपको ब्रोकली मिले या आप नॉन वेज है तो चिकन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर खाली मशरूम यूज़ करूँगी। ये थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर है, ये थोड़े से ड्राइड ऑरिगेनो हर्ब्स है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ यूज़ करूँगी, आप कोई भी चीज़ आपका पसंद का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ करूँगी। इसको मैं बनाऊँगी ऑलिव ऑयल में, आप चाहे तो नॉर्मल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको कुछ पानी की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की जगह आप चिकन स्टॉक में तो वेजिटेबल स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम एक पैन चढ़ा दिए हैं, फ्लेम अभी लोयर है, उसमें हम सारा एक साथ डालेंगे। पहले हम डाल दिए पास्ता स्पैगेटी अपना, फिर मैं यहाँ पे लहसुन डाल दूंगी, ये प्याज। भाई वन पट पास्ता है तो सारा कुछ एक ही पट में जाएगा एक ही बारी। ये टमेटोज गए उसमें, फिर हम ये मशरूम डाल देंगे, ये बेजिल लिप्स, थोड़े से बेजिल लिप्स अभी मैं लूँगी और उसको मैं हाथ में तोड़ के डाल दूँगी, क्योंकि बेजिल लिप्स को हमेशा हाथ में तोड़ के ही डालना चाहिए, उनका प्रॉपर्टीज में तो खराब हो जाता है। अभी हम थोड़े से फ्लेम इसका बढ़ा रहे हैं, फिर हम डालेंगे उसमें सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, कितनी चाहिए आपको क्वान्टिटी देख के। ये ब्लैक पेपर पाउडर, ये मैं 1/2 टीस्पून के आसपास डाली हूँ, ये भी आप पे डिपेंड करता है कितना डालना है। अभी हम मिला लेंगे ऑलिव ऑयल, 2 टीस्पून के आसपास मैं डाली हूँ। अभी हम उसमें डालेंगे पानी, एज आई सेड कि पानी की जगह आप कोई भी वेजिटेबल स्टॉक हो या चिकन स्टॉक यूज़ कर सकते हैं, तो और भी टेस्ट बढ़िया आता है, इसमें भी बढ़िया आएगा टेस्ट। और सबको हम मिला लेते हैं। अब मिला के हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसको पकने देंगे। 10 मिनट हो गया है तो एक बार चेक कर लेते हैं। इसको बनाने में कुछ भी मेहनत नहीं लगता, इसीलिए लेजी डे के लिए बेस्ट ऑप्शन है आई सेड। इसमें मैं कोई भी चिल्ली यूज़ नहीं की हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पास्ता ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है, हम उसको अगेन ढक देंगे और उसको 4-5 मिनट मैं और पका लूँगी। 5 मिनट हो गए हैं, अभी देखिए अभी हमारा पास्ता एकदम परफेक्टली कुक हो गया है। ट्रस्ट मी गाइस, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये पास्ता। हम उसको अच्छे से मिला लेंगे, अभी मैं उसका फ्लेम लो कर दे रही हूँ। अभी हम उसमें डाल देंगे ओरिगैनो, ड्राइड ओरिगैनो, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाएगा पास्ता में। और ये थोड़े से और बेजिल लीव्स मैं ऊपर से डाल दूँगी, क्योंकि इसका स्मेल और टेस्ट दोनों ही बढ़िया आता है पास्ता में। इसको हम एक बार मिला देंगे अच्छे से,
अभी मैं उसमें चीज़ डाल दूंगी। ये रहा चीज़, मैं बहुत थोड़ी सी चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर पसंद नहीं है चीज़ तो आप स्किप कर सकते हैं, ये प्योरली ऑप्शनल स्टेप है। और मोजरेला की जगह कुछ और भी आप यूज़ कर सकते हैं चीज़। अभी हम उसको ढक देंगे एक मिनट के लिए ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए। ये देखिए अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गया है, उसको मिला लेते हैं ताकि सारे पास्ते में चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए पास्ता एकदम बन के तैयार हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अभी हम उसको प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये हमारा पास्ता बन के तैयार हो गया है सर्व होने के लिए। आप उसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा ओरिगैनो स्प्रिंकल कर दूंगी, बहुत थोड़ी सी, और ऊपर से और एक बेजल लीव्स में डाल दूंगी, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ताकि। ये देखिए ये हमारा पास्ता एकदम रेडी हो गया है। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।